बंडा कितना बढ़िया बना है। एक बंडा मैं काट कर दिखाती हूँ, ये देखिए। आज हम बनाएंगे आलू बंडा। आलू बंडा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। मैंने छोटा साइज आलू 8 लिया है, इसको बॉईल करके लिया है। एक कैप्सिकम, एक प्याज, धनिया पत्ता आधा चम्मच, साबुत धनिया, 5 लहसुन का कलिया, थोड़ा सा अदरक, 3 सूखा मिर्ची, इसको दरदरा पीस लेंगे। मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, चाट मसाला। कैप्सिकम को इस तरह काट लेंगे। और इसको छोटा साइज इस तरह काट लेंगे। हम प्याज को इस तरह काट लेंगे, ये देखिए, इस तरह चार पीस कर देंगे। और इसको इस तरह निकाल देंगे। आलू मसाला तैयार करें। मैंने गैस का पर पैन में 3 चम्मच तेल डाल लिया। तेल गर्म हो चुका है। अब हम अदरक, लहसुन, हरा मिर्ची, धनिया का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें सौंफ पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। मसाला भून चुका है। अब हम इसमें आलू इस तरह तोड़कर डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, चाट मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुजाई नमक डालेंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे। आलू मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बेसन से एक बैटर तैयार करेंगे। मैंने लिया 3/4 का बेसन। इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर आधा चम्मच, खाने वाला सोडा 1 पिंच डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे, और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ज़्यादा पतला डो, ये देखिए इस तरह डो बनाना है। इसमें आधा कप पानी लगा है डो बनाने में। आलू ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस तरह छोटा छोटा गोला बना लेंगे। ये सारा गोला तैयार हो चुका है। अब हम एक पीस प्याज लेंगे, इस तरह लगा देंगे, और इस तरफ शिमला मिर्ची लगा देंगे। ये देखिए इस तरह बनाना है। सिर्फ प्याज से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह, इसी तरह सारा तलेंगे। मैंने गैस का भी तेल रख दिया, तेल गर्म हो चुका है। ये बना लेंगे इस तरह, बेसन में डिप करेंगे। चम्मच से इस तरह छोटे, अब थोड़ा सा हो गया। अब हम इसको पलट देंगे। ये बंडा तल चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। बंडा तैयार हो चुका है। आप इसी तरह आलू बंडा घर पर बनाकर खाइए। ये खाने बहुत टेस्ट लगता है। अगर आपका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नए रेसिपी पहले आपको मिल जाएगा।